मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 ए हीरो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो स्वामी है उसके फादर उसको अपने ऑफिस रूम में सुलाने के लिए लेके जाते हैं, कैसे वो डर लगता है उसको कि वहां मैं अकेला कैसे सोऊं। वो अपनी दादी के पास में चिपक जाता है क्योंकि वो हमेशा अपनी दादी के पास में ही सोता था, लेकिन उसके फादर है वो उसको जान बूझ कर वहां से वो उसको लेके जाते हैं और उसको ऑफिस रूम में सुलाते हैं। तो वो बोलता है कि क्या मैं हॉल में सो जाऊं, क्या मैं लाइट ऑन रख लूं, लास्ट में बोलता है क्या मैं दरवाजा खुला रख लूं। तो उसके फादर है वो दरवाजा खुला रखने के लिए हाँ कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम वहां से उठ करके, देखो बोला गया था कि तुम वहां से उठकर अपनी दादी के पास नहीं जाओगे, अगर तुम गए तो मैं तुम्हें एक हंसी का पात्र है वो तुम्हारे स्कूल में बना दूंगा, मतलब तुम्हारे स्कूल में सारी चीज है वो बता दूंगा जिससे सारे बच्चे हैं वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अब आगे देखते हैं, स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। कि स्वामी फेल्ट कट ऑफ, स्वामी ने अपने आप को कट ऑफ मतलब अलग थलग महसूस किया, अपने को कटा हुआ पाया फ्रॉम ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता से। तो स्वामी ने मानवता से खुद को अलग पाया, मानव जाति से अलग महसूस किया। ही वॉज पेन एंड एंग्री, ही वॉज पेन मतलब जो दुखी था, दर्द में था, पेन दर्द होता है कि ही वॉज पेन एंड एंग्री, वो दुखी था और एंग्री था, क्रोधित था। He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. कि he did not like, वो पसंद नहीं करता था the strain of cruelty. Cruelty मतलब जो निर्दयता की जो strain यानी जो प्रवृत्ति थी, तो निर्दयता की प्रवृत्ति को वो पसंद नहीं करता था। He saw in his father's nature. कि उसने अपने फादर के स्वभाव में जो निर्दयता की प्रवृत्ति देखी उसे वो पसंद नहीं करता था। He hated the newspaper for printing the tiger's story. He hated, वो उसने घृणा करी मतलब वो घृणा करता था द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर से क्यों? फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, टाइगर की जो स्टोरी थी उसको छापने के कारण ही hated द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर से घृणा करने लगा। He wished that the tiger hadn't spared the boy who did not appear to be a boy after all but a monster. तो देखो उसने बोला कि उसके फादर के अंदर जो क्रुएल्टी की जो प्रवृत्ति आ गई थी वो उसे पसंद नहीं करता था। टाइगर की स्टोरी को छापने के लिए वो न्यूज़पेपर से घृणा करने लगा। ही विश, उसने विश करी, उसने इच्छा करी कि दैट द टाइगर हैडन्ट स्पेयर्ड द बॉय, कि टाइगर ने, उस बाघ ने बच्चे को नहीं छोड़ा होता, मतलब उस बच्चे को जीवित नहीं छोड़ता, अगर उस बच्चे को मार डालता। वो ऐसे विश कर रहा है कि उस बच्चे को, उस लड़के को टाइगर ने नहीं छोड़ता, उस टाइगर ने लड़के को जीवित नहीं छोड़ता। Who did not appear to be a boy after all, जो कि बिल्कुल भी एक बॉय के समान अपीयर नहीं हो रहा था, अपीयर नहीं होता था, एक लड़के के समान जो प्रतीत नहीं होता था, बट ए मॉन्स्टर, किसके जैसा, एक मॉन्स्टर के जैसा, एक दैत्य के जैसा। वो खुद के साथ ऐसे कंपैरिजन कर रहा है। तो उसने विश करी कि वो टाइगर उस लड़के को जीवित नहीं छोड़ रहा जो उसके लिए, एक लड़का तो बिल्कुल प्रतीत नहीं होता बल्कि एक मॉन्स्टर जैसा था, एक दैत्य के जैसा था। तो अब आगे देखते हैं, एज द नाइट एडवांस द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड हिज हार्ट बीट फास्टर। कि एज द नाइट एडवांस, जैसे जैसे नाइट जो रात्रि थी वो एडवांस मतलब बढ़ती गई, जैसे जैसे रात और बढ़ती गई, द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, तो घर के अंदर जो साइलेंस थी, जो चुप्पी थी, सन्नाटा था, वो डिपेंड मतलब और गहरा हो गया था, गहराने लग गया था। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी जो हार्ट बीट थी मतलब उसकी जो हृदय की जो धड़कने थी वो फास्टर हो रही थी, तेज उसकी हृदय की गति हो रही थी। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. कि he remembered, उसने याद करी all the stories, सभी स्टोरी को, सभी कहानियों को, of devils, devils यानी दैत्यों की, and ghosts, ghosts यानी जो भूत प्रेत होते हैं उनकी, he had heard in his life. कि अपने जीवन में जो devils, जो दैत्य और भूतों की कहानियां उसने सुनी थी उसको उसने याद करी कि he remembered all the stories of devils and ghosts. कि उसने दैत्य और भूतों की सभी कहानियों को याद किया जो उसने अपने जीवन में सुनी थी। हाउ ऑफन हैड ही चम मनी सीन द डेविल इन द बैनियन ट्री एट ही स्ट्रीट एंड। कि हाउ ऑफन, कि प्राय कितनी बार हैड ही चम, कि उसका जो चम यानी उसका जो फ्रेंड मनी था, सीन मतलब देखा था डेविल को इन द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के अंदर, बरगद के पेड़ के अंदर, एट ही स्ट्रीट एंड, कि प्राय कितनी बार गली के किनारे पे या गली के नुक्कड़ पे, स्ट्रीट एंड मतलब एकदम गली के आखिर में, बरगद के पेड़ के अंदर, कितनी ही बार उसके फ्रेंड, उसके चम यानी उसके मित्र मनी ने डेविल को देखा था। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनि सामीज फादर हु स्पेट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चीक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट।
कैन वॉट अबाउट पुअर, और उस बेचारे मुनिस्वामी का फादर, मुनिस्वामी भी उसका कोई फ्रेंड होगा तो उसके फादर की वो स्टोरी बता रहा है। एक तो फ्रेंड मनी की बताई, एक मुनिस्वामी के फादर की, तो व्हाट अबाउट पुअर मुनिस्वामी फादर, कि उस मुनिस्वामी बेचारे मुनिस्वामी के फादर के बारे में, हु स्पेट आउट ब्लड, जिसके स्पेट आउट मतलब मुंह से खून निकलना, स्पेट आउट ब्लड यानी मुंह से खून निकलना, हु स्पेट आउट ब्लड, जिसके मुंह से खून निकला था, बिकॉज क्योंकि द डेविल नियर द रिवर एज स्लैप्ड हिज चीक, कि द डेविल नियर द रिवर एज, रिवर्स एज की नदी के किनारे के निकट दैत्य ने उसके गालों पे स्लैप्ड मतलब थप्पड़ मारा था। तो वो बता रहा है मुनिस्वामी के फादर जिसके मुंह से खून निकल रहा था क्योंकि दैत्य ने नदी के किनारे के समीप दैत्य ने उसके गालों पे थप्पड़ मारा था। व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब एक रात्रि को वो घर लेट लौट रहा था, घर देरी से आ रहा था, तो उसके गालों पे नदी के किनारे के समीप दैत्य ने उसको थप्पड़ मारा था, जिससे क्या हुआ, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था मुनिस्वामी के फादर के मुंह से। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और इस प्रकार से उसके जो थॉट्स थे, उसके जो विचार थे, वो कंटिन्यू मतलब लगातार जारी रहे, विचार है वो उसके माइंड में आते रहे। ही वाज फेंट विद फियर, वो एकदम फियर से मतलब डर से वो फेंट हो गया, बेहोशी जैसा उसके अंदर हो गया था, वो एकदम बेहोश सा हो रहा था, मतलब एक्चुअल में वो बेहोश नहीं हुआ था लेकिन वो एकदम भय से पीला पड़ गया था, तो वो फेंट होने लग गया था। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेट इन एंड कास्ट शैडोज ऑन द वॉल, कि ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, कि गली के लैंप से एक प्रकाश की एक जो रे यानी एक जो किरण है वो स्ट्रेट इन वो अंदर आ रही थी। एंड कास्ट शैडो ऑन द वॉल, और दीवार के ऊपर शैडो यानी जो छाया है वो बना रही थी। तो जब उस जो रूम है ऑफिस रूम, वहां पे एक खिड़की कोई रोशनदान कुछ था, तो उसमें से जो स्ट्रीट लैंप की जो लाइट है उसकी किरण है वो अंदर आ रही थी और दीवार के ऊपर छाया बना रही थी। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइसेस रीच हिज इयर्स, टिकिंग ऑफ द क्लॉक, रशल ऑफ ट्रीज, स्नोरिंग साउंड्स एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग। तो थ्रू द स्टिलनेस, कि उस स्टिलनेस के बीच में से, उस शांति के बीच में से, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच हिज ईयर, उसके कानों पे सभी प्रकार के जो नॉइजेस मतलब जो शोर थे वो रीच यानी पहुंचे थे। तो उस शांति के बीच में से सभी प्रकार के शोर उसके कानों तक आए, मतलब उसको सारी चीजें सुनाई दे रही थी, और जो आवाज आ रही थी, आवाज किसकी, टिकिंग ऑफ द क्लॉक, कि क्लॉक यानी जो घड़ी की टिकिंग यानी टिक टिक की आवाज, रशल ऑफ ट्रीज, वृक्ष की जो रशल मतलब सरसराहट की आवाज, स्नोरिंग साउंड खराटों की आवाज एंड सम वेक नाइट इंसेक्ट हमिंग, और कुछ अस्पष्ट रात्रि को विचरण करने वाले जो इंसेक्ट यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी हमिंग, हमिंग मतलब उनकी भिन्न भिन्नाहट की आवाजें, वेग होता है अस्पष्ट। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट एज इफ इट वर एन आवर, कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, और यहाँ पे है एक फुल स्टॉप। तो देखो, ही कवर्ड हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट, उसने ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लिया, एज इफ इट वर एन आर्मर, आर्मर यानी कवच, जैसे कि ये एक कवच था उस तरीके से उसने ब्लैंकेट को अपने ऊपर कवर कर लिया। कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, इतनी पूर्णतया उसने अपने आप को कवर किया, मतलब उसने अपने आप को इतना कम्प्लीटली कवर कर लिया, पूर्ण रूप से ढक लिया, दैट की ही कुड नॉट हार्डली ब्रेथ, कि वो मुश्किल से ही सांस ले सकता था, मतलब उसको सांस भी नहीं आ रही थी, इस प्रकार से उसने अपने आप को कवर कर लिया। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप एंड क्लच एट हिज थ्रोट और कैरी हिम अवे, देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास हु सडनली डिसअपीयर्ड एंड वाज सेड टू हैव बीन कैरिड ओवर बाय अ घोस्ट टू सियाम और नेपाल। तो इसमें बताया है कि एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, ही एक्सपेक्टेड, वो आशा करता था, द डेविल्स टू कम अप, कि डेविल के दैत्य के आने की वो आशा करता था प्रति क्षण, एंड क्लच एट हिज थ्रोट, कि वो उसके थ्रोट को, उसके गले को दबाने की आशा कर रहा था। तो वो क्या आशा करता था, कि एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड, हर क्षण वो आशा करता था, वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था द डेविल्स टू कम अप, कि डेविल है वो आएगा, जो दैत्य है, पिशाच है, वो आ पहुंचेगा, एंड क्लच एट हिज थ्रोट, उसके गले को क्लच यानी पकड़ लेगा, और कैरी हिम अवे, और उसको दूर ले जाएगा। देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास, तो उसके पास में क्या था, एक फोर्थ क्लास के पुराने मित्र का एक इंस्टेंस यानी एक उदाहरण था, मतलब उसको एक उदाहरण याद आ गया था अपने फोर्थ क्लास के एक पुराने मित्र का, हु सडनली डिसअपीयर्ड, जो कि अचानक से गायब हो गया था, एंड वॉज सैड, और कहा जाता था कि टू हैव बीन कैरिड ओवर बाय अ घोस्ट,
कि वो एक घोस्ट के द्वारा, एक दैत्य के द्वारा उसको सियाम या फिर नेपाल जो कि कोई देश है, तो श्याम देश या फिर नेपाल देश में उसको ले जाया, वो उसको लेके चला गया, ऐसी एक स्टोरी है। वो उसको याद आई कि ऐसा कहा जाता है कि कोई घोस्ट है वो उसको पकड़कर सियाम या फिर नेपाल देश ले गया। तो इस प्रकार से वो सारी चीजें हैं वो सोच रहा है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। स्वामी हरिडली गोटअप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, कि स्वामी जो स्वामी है वो हरिडली गोटअप, वो जल्दी से खड़ा हुआ, एंड स्प्रेड हिज बेड, और अपने बेड को फैलाया अंडर द बेंच, बेंच के नीचे अपना जो बिस्तर था उसको स्प्रेड यानी फैलाया। तो वो वहां से तो खड़ा हो गया, पहले बेंच के ऊपर सो रहा था, अब बेंच के नीचे उसने अपना बिस्तर है वो लगा लिया था। एंड क्राउच्ड देयर इट सीम्ड टू बी ए मच सेफर प्लेस, क्राउच्ड देयर मतलब वहां पे वो क्या हो गया, क्राउच हो गया, मतलब वहां पे वो पसर गया एकदम, जैसे लेट गया सिकुड़ करके। तो क्राउच होता है एकदम जैसे खुद को कर्ल कर लेना, खुद को सिकोड़ लेना। तो उसने बेंच के नीचे अपना बिस्तर फैलाया और वहां पे सिकुड़ गया, वहां पे सिकुड़ करके लेट गया, पसर गया। इट सीम टू बी ए मच सेफर प्लेस, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, कि इट सीम, यह प्रतीत हुआ टू बी ए मच सेफर प्लेस, कि यह ज्यादा सुरक्षित, मोर कॉम्पैक्ट मतलब ज्यादा दृढ़, ज्यादा मजबूत, और रीअश्योरिंग मतलब आश्वस्त करने वाला। तो यह जो स्थान था ना बेंच के नीचे वाला, वो स्थान उसको ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा मजबूत और आश्वस्त करने वाला प्रतीत हुआ। ही शट हिज आईज टाइट एंड एनकैस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल अस्लीप, एंड इन स्लीप ही वाज रैक्ड विद नाइटमेयर्स। तो ही शट हिज आईज टाइट, उसने टाइटली मतलब मजबूती से अपनी आंखों को बंद किया, एंड एनकैस्ड हिमसेल्फ, एनकैस्ड मतलब ढक लेना, कवर कर लेना हिमसेल्फ अपने आप को, इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, एक बार फिर से ब्लैंकेट में अपने आप को ढक लिया, कवर कर लिया, एंड अननोन टू हिमसेल्फ, और अपने आप को जाने बिना ही फेल एस्लिप वो सो गया, एंड इन स्लीप ही वाज रैक्ड विद नाइटमेयर्स, एंड इन स्लीप और नींद में भी क्या था, ही वाज रैक्ड वो पीड़ित था विद नाइटमेयर्स, कि नींद में भी वो नाइटमेयर से जो बुरे सपने थे उनसे वो पीड़ित था। ए टाइगर वाज चेसिंग हिम, और स्वप्न में क्या रहा था, ए टाइगर वाज चेसिंग हिम, एक टाइगर, एक जो बाघ है वो उसको चेसिंग मतलब पीछा करना, कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, उसके जो फीट मतलब उसके जो पैर थे वो स्टक यानी चिपक गए थे टू द ग्राउंड, ग्राउंड से। ये उसको स्वप्न आ रहा है, स्वप्न उसको पीड़ित कर रहे हैं कि एक टाइगर है वो उसका पीछा कर रहा था, उसके पैर है वो ग्राउंड से चिपक गए। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप बट हिज फीट वुड नॉट मूव, ही डेस्परेटली मतलब एकदम हताशा के साथ में उसने एस्केप यानी बचने की, ट्राइड होता है कोशिश करना, कि उसने हताशा पूर्वक बचने की कोशिश करी, बट लेकिन हिज फीट वुड नॉट मूव, उसके पैर है वो नहीं हिले। द टाइगर वाज एट हिज बैक, और टाइगर है वो उसकी पीठ पे था, उसके पीछे था, एंड ही कुड हियर इट्स क्लोज स्क्रेच द ग्राउंड, स्क्रेच एंड देन ए लाइट थर्ट। तो वो स्वप्न बता रहा है कि द टाइगर वाज एट हिज बैक, कि जो टाइगर था, जो बाघ था स्वप्न में जो उसको दिख रहा था, वो बाघ एकदम से उसके पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लोज स्क्रेच द ग्राउंड, ही कुड हियर वो सुन सकता था, इट क्लोज, क्लोज मतलब पंजों की स्क्रेच यानी जो खुरचने की जो आवाज होती है द ग्राउंड, ग्राउंड को, कि वह ग्राउंड को पंजों से खुरचने की आवाज सुन सकता था। स्क्रेच स्क्रेच मतलब वापस से जैसे स्क्रेच की आवाज आ रही है। एंड देन ए लाइट थर्ड, और फिर क्या हुआ, लाइट थर्ड मतलब एक हल्की सी धम की आवाज। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज बट हिज आई लिड्स वुड नॉट ओपन एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज, स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करी, बट लेकिन हिज आई लिड्स वुड नॉट ओपन, उसकी जो आई लिड्स मतलब उसकी जो आंखों की जो पलके थी वुड नॉट ओपन, वो नहीं खुली। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यूड, और जो नाइट मेयर था, जो बुरा स्वप्न था, वो कंटिन्यूड मतलब लगातार जारी रहा। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, स्वामी ग्रोन इन डेस्पेयर, कि इट थ्रेटन मतलब इसने धमकी दी एक तरीके से, वो धमका रहा था टू कंटिन्यू लगातार जारी रहने का, ऑल हिज लाइफ इसके पूरे जीवन भर। तो देखो क्या कि इट थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, किया उसको जीवन भर कंटिन्यू रहने की धमकी दे रहा था, उसको धमका रहा था। ये जो बुरा स्वप्न है ना, इट है वो नाइटमेयर के लिए आया, कि ये नाइटमेयर उसको जीवन भर कंटिन्यू रहने के लिए धमका रहा था। स्वामी ग्रोन इन डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी निराशा पूर्वक, स्वामी है वो कराहा, ग्रोन होता है कराहना। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, कि ये कितना एस्केपेबल तो होता है जिससे बचा जा सके, इनएस्केपेबल मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता है, मतलब अपरिहार्य जो जरूरी होता है। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, कि ये कितना अपरिहार्य ये स्वप्न था।
उस स्वपन की बात चल रही है कि वो स्वपन है वो कितना बुरा स्वपन था, कितना अपरिहार्य था, जिसको मुझे लेना पड़ रहा था, ऐसा वो जो स्वामी है वो सोच रहा था। तो इसके बाद में देखो, विद ए डेस्पेरेट एफर्ट ही ओपन हिज आइज, कि विद ए डेस्पेरेट एफर्ट, कि एक हताशापूर्ण प्रयास के साथ में ही ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, ही पुट हिज हैंड आउट, उसने अपना हाथ बाहर निकाला टू फील, महसूस करने के लिए हिज ग्रैनीज प्रेजेंस, अपनी दादी की उपस्थिति को, एट हिज साइड, अपनी साइड में, कि अपनी साइड में दादी की उपस्थिति को महसूस करने के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला। एज वॉज हिज हैबिट, जो इसकी आदत थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, बट ही ओनली टच, लेकिन वो केवल छू पाया द वुडन लेग, लकड़ी की टांगे ऑफ द बेंच, कि उस बेंच की, जिस बेंच के नीचे वो सो रहा था ना, उस बेंच की जो वुडन लेग थी, जो लकड़ी की जो टांगे थी, मतलब उसके जो पाए थे बेंच के, केवल उनको ही वो छू पाया था। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और उसकी जो लोनली स्टेट, मतलब उसके जो अकेलेपन की जो स्टेट थी, जो अवस्था थी, वो उसके पास वापस आ गई। केम बैक मतलब वापस आ जाना, टू हिम उसके पास। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, फ्राइट यानी डर के साथ, स्वेटेड यानी पसीना, कि ही स्वेटेड विथ फ्राइट, वो डर से एकदम पसीना पसीना हो गया, उसको पसीना आ गया था। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, एंड नाउ, और अब व्हाट वाज दिस रसलिंग, ये रसलिंग क्या थी, मतलब कोई खड़खड़ाट की आवाज कुछ आ रही थी, तो ये रसलिंग, ये जो खड़खड़ाट हो रही थी वो क्या थी। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेड इन द डार्कनेस, समथिंग वाज मूविंग डाउन, कि ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, वो बेंच के किनारे तक हिला, मतलब बेंच के किनारे तक वो गया, एंड स्टेड इन द डार्कनेस, और अंधकार में से उसने घूरा। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कोई चीज है वो हिल रही थी। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, कि ही ले वो लेटर रहा गेजिंग, घूरते हुए एट इट, उसकी तरफ, इन हॉरर, डर के साथ, कि डर से वो इसकी तरफ घूरते हुए लेटर रहा। हिज एंड हैड कम, उसका जो अंत था वो आ पहुंचा था। ही बिकेम डेस्परेट, वो एकदम निराश हताश हो गया था। ही न्यू दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टियर हिम टू शेड, एंड सो वाई शुड ही वेट, तो ही न्यू, वो जानता था द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, कि जो डेविल जो देते हैं वो प्रेजेंटली गई, वो तुरंत ही पुल हिम आउट, उसको बाहर खींच लेगा। तो वो अभी सोच रहा है कि डेविल यहाँ पे आया है, तो ही न्यू, वो जानता था कि जो डेविल जो देते हैं वो इसी समय उसको बाहर खींच लेगा। एंड टियर हिम, उसको फाड़ देगा टू श्रेड्स, श्रेड्स मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, और उसको टुकड़े टुकड़े में फाड़ देगा, मतलब उसकी टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो डेविल है वो उसको बाहर खींच लेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, और इसलिए वाई शुड ही वेट, वो इंतजार क्यों करे, ऐसा वो अपने मन में सोच रहा है कि डेविल तो मुझे खींच लेगा और मुझे मार देगा, इसलिए मैं वेट क्यों करूं। एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मोर्टल वेपन। तो देखो, एज इट केम नियरर, जैसे ही वो समीप आया, मतलब और अधिक पास आया, जो शेडो जो आ रही थी या फिर कोई चीज उसको हिलती हुई जो दिख रही थी ना, तो जैसे ही इट केम नियरर, वो समीप आया, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, तो वो बेंच के नीचे से, क्रॉल्ड आउट मतलब रेंग कर बाहर आया, तो ही क्रॉल्ड आउट, वो रेंग कर बाहर आया, फ्रॉम अंडर द बेंच, उस बेंच के नीचे से वो रेंग कर बाहर आया। एंड हग इट विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी माइट, पूरी स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ उसको हग कर लिया, मतलब उसको पकड़ लिया। एंड यूज, और उसने प्रयोग किए हिज टीथ, अपने दांतों का ऑनिट, उसके ऊपर, मतलब जो व्यक्ति या फिर जो, मतलब उसको जो दिख रहा था कि कुछ हिल रहा है उसके ऊपर, लाइक ए मोर्टल वेपन, मोर्टल मतलब जो नाशवान हो, तो उस मृत्यु लाने वाले, मतलब एक तरीके से एंड करने वाले, तो उस मृत्यु लाने वाले या मृत्यु कारक जो हथियार है उसके समान, उसके ऊपर, उस छाया के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर जिसको उसने हक किया था, अपने दांतों का प्रयोग किया, क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया था एकदम टाइटली अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। अब वो एक व्यक्ति था या फिर एक बर्गलर, मतलब चोर था वो एक, तो वो क्या बोलता है, आयो समथिंग हैज बीटन मी, कि आयो मतलब कोई, जैसे किसी को काट जाए तो जैसे आवाज निकलती है, ओई आए अपन बोलते हैं ना, वैसे आयो समथिंग हैज बीटन मी, किसी ने मुझे काट लिया है। वेंट फॉर एन एगोनाइज थंडरिंग क्राई एंड वॉज फॉलोड बाई ए हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एमिडस्ट फर्नीचर, कि वेंट फॉर एन अग्नाइज्ड, तो अग्नाइज्ड मतलब एक दर्द से भरी हुई, थंडरिंग मतलब जोरदार, थंडर मतलब जैसे बिजली की जो गड़गड़ाहट, बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है, तो वो थंडरिंग मतलब एकदम जोरदार, क्राई मतलब चीखने की आवाज। तो आई हैव समथिंग हैज बीटन मी, कि किसी ने मुझे, किसी चीज ने मुझे काट लिया है। वेंट फॉर एन अग्नाइज्ड थंडरिंग क्राई, की एक दर्द से भरी हुई जोरदार आवाज है वो निकली।
एंड वाज फॉलोड बाय ए हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिडस्ट फर्नीचर, और फर्नीचर के बीच में से टम्बलिंग एंड फॉलिंग मतलब एकदम से गिरने की लुढ़कने की जो भारी आवाज है वो आई। तो फर्नीचर के बीच में से एक भारी लुढ़कने की और गिरने की आवाज कुछ लुढ़कने जैसा कुछ हुआ। तो इन ए मोमेंट फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, कि इन ए मोमेंट एक क्षण में ही मतलब उसी क्षण भर में ही उसके पिताजी कुक यानी रसोईया द सर्वेंट यानी नौकर केम इन अंदर आए कैरिंग लाइट, लाइट को लिए हुए मतलब कुछ जो लाइट है कोई प्रकाश है कोई बत्तियां हैं कुछ मतलब अपन हाथ में जैसे कोई कैंडल वगैरह मोबाइल से कोई लाइट करके तो कैसे भी जो लाइट है उस लाइट को कैरी करके लाइट को लेकर के या बत्तियां लेकर के एक क्षण में ही पिताजी रसोईये और जो सर्वेंट था वो आ पहुंचे। तो अब उसके घर में जो लोग थे वो सारे तीनों लोग हैं वो आ गए थे। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिडस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल। एंड ऑल थ्री ऑफ देम और वो जो तीनों लोग थे फेल ऑन द बर्गलर, वो उस बर्गलर के ऊपर उस चोर के ऊपर टूट पड़े। हु ले अमिडस्ट जो कि लेटा हुआ था अमिडस्ट बीच में द फर्नीचर, फर्नीचर के विद ए ब्लीडिंग एंकल के खून बहते हुए टखने के साथ में फर्नीचर के बीच में लेटे हुए उस चोर के ऊपर वो तीनों लोग गिर गए, तीनों लोग टूट पड़े मतलब उसको पकड़ लिया। अब देखो कॉन्ग्रेचुलेशन केम शोरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, कि अगले दिन स्वामी के ऊपर जो कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब जो धन्यवाद था जो बधाइयां थी उसकी शोरिंग होने लग गई, उनकी जो बोछारे हैं वो होने लगे मतलब जो लोग हैं उनको बधाइयां देने लग गए कॉन्ग्रेचुलेशन करने देने लग गए। तो अगले दिन स्वामी पे बधाइयों की बारिश आई, बारिश होने लगी। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, कि हिज क्लासमेट्स मतलब उसके जो क्लासमेट थे उसके जो सहपाठी थे वो उसके साथ लुक डेट हिम उसकी तरफ देखा विद रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के साथ सम्मान के साथ उसकी तरफ देखा उनके क्लासमेट्स ने उस जो स्वामी था उसके साथियों ने सहपाठियों ने उसकी तरफ रेस्पेक्ट के साथ में देखा सम्मान पूर्वक देखा। एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैग, और उसके टीचर ने उसके अध्यापक ने उसकी जो पीठ है वो पेटेड यानी थपथपाई, तो टीचर ने भी पीठ है वो थपथपाई और उसके सहपाठियों ने क्या किया उसकी तरफ रेस्पेक्ट पूर्वक वो देखने लग गए। द हेडमास्टर सेड ही वाज ए ट्रू स्काउट, द हेडमास्टर सेड कि हेडमास्टर ने कहा जो मुख्य जो अध्यापक थे प्राध्यापक थे प्रधानाध्यापक उन्होंने कहा दैट कि ही वाज ए ट्रू स्काउट कि वो एक सच्चा स्काउट है सच्चा स्काउट था एक सच्चा मतलब बहादुर व्यक्ति था। स्वामी हैड बीटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, कि स्वामी हैड बीटन स्वामी है वो काट चुका था इन टू द फ्लैश, फ्लैश मतलब बॉडी को शरीर को, और वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस होता है कुख्यात, कुख्यात में से सबसे अधिक कुख्यात में से एक हाउस ब्रेकर मतलब घर में सेंध लगाने वाला एक तरीके से सेंध मार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिले का, कि स्वामी है वो जिले का एक सबसे कुख्यात सेंध मारों में से एक की बॉडी को काट चुका था मतलब एक जो हाउस ब्रेकर्स थे उनमें से एक था सबसे कुख्यात सेंध मारों में से एक था। एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और जो पुलिस थी वो इसके लिए उसकी इसके लिए मतलब उस जो नोटोरियस जो था वो जो बर्गलर था उसको पकड़ने के लिए या उसको काटने के लिए उसका यानी उस स्वामी का ग्रेटफुल थी आभारी थी। तो पुलिस तो हो ही गई, इट है वो उस बर्गलर के लिए आया है, हिम है वो स्वामी के लिए आया है, तो पुलिस है वो इसके लिए उसकी आभारी थी स्वामी की आभारी थी। द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, द इंस्पेक्टर सेड इंस्पेक्टर ने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस कि तुम पुलिस को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो व्हेन यू आर ग्रोन अप कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम पुलिस को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो पुलिस की नौकरी क्यों नहीं करते हो। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस कि स्वामी ने पोलाइटनेस के साथ कहा स्वामी ने एकदम विनम्रता प्रदर्शित करते हुए उसने पोलाइटनेस के साथ में कहा कि सर्टेनली निश्चय ही एकदम निश्चित रूप से यस हाँ, दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर ए रेलवे गार्ड और ए बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। तो देखो अभी भी उसने वो मतलब बाई चांस ही वो चीज कर दी थी उसका कोई इरादा नहीं था वो खुद डरपोक है लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है कि निश्चित रूप से यस हाँ, दो यद्यपि ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड उसने अपना माइंड है वो बना लिया था मतलब उसने डिसाइड कर रखा था टू बी एन इंजन ड्राइवर एक इंजन ड्राइवर बनने का या फिर एक रेलवे गार्ड बनने का या फिर एक बस कंडक्टर बनने का लेटर इन लाइफ अपने जीवन में बाद में कि यद्यपि उसने जीवन में बाद में अपने जीवन में
लेटर मतलब बाद की अवस्था के अंदर आगे चल करके इंजन ड्राइवर बनने का, रेलवे गार्ड बनने का या फिर बस कंडक्टर बनने का उसने डिसाइड कर लिया था, निश्चय है वो कर रखा था, अपना माइंड सेट कर रखा था। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट फादर आस्क्ड, तब देखो फादर की बात चल रही है कि व्हेन ही, कि जब रात्रि को, मतलब रात्रि को कौन ही है, वो यहाँ पे स्वामी के फादर के लिए आया है कि व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर लौटे फ्रॉम द क्लब, क्लब से दैट नाइट, कि उस रात्रि को जब वो क्लब से बाहर, क्लब से वापस लौटे, तो फादर आस्क, फादर ने पूछा, किसे पूछ रहे हैं, वो अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं, तो फादर ने अपनी वाइफ से मतलब उस स्वामी की मदर से पूछा, तो देखो क्या पूछा इसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे। तो स्वामी के फादर ने क्या पूछा, देखो वेयर इज द बॉय, कि बॉय कहाँ है, लड़का कहाँ है, वो अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं जैसे वो क्लब से लौटा कि वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ पे है। ही इज अस्लिप ऑलरेडी, कि वो पहले से ही सो गया है, उसकी जो वाइफ है वो रिप्लाई दे रही है कि वो पहले से ही सो गया है। ही डिडंट हैव ए विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, सेड हिज मदर, उसकी मदर ने, उसकी माता ने कहा, क्या कहा, कि ही डिड नॉट हैव ए विंक ऑफ स्लीप, कि उसने नींद की, विंक यानी झपकी, द होल ऑफ लास्ट नाइट, की पिछली रात्रि, पिछली संपूर्ण रात्रि में उसने नींद की एक झपकी भी नहीं ली, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं सोया पूरी रात्रि को, जो लास्ट नाइट जब उसको ऑफिस रूम में सुलाया गया था। तो अब उसके फादर बोलते हैं कि वेयर इज ही स्लीपिंग, वो कहाँ सो रहा है, इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली, मदर ने कैजुअली मतलब एकदम बेपरवाही के साथ में या लापरवाही के साथ में मदर ने कहा कि इन हिज यूजुअल प्लेस, अपने यूजुअल प्लेस पे, मतलब अपने उसी सेम स्थान पे, ही वेंट टू बेड एट 7:30, कि वो 7:30 पे ही अपने बिस्तर में चला गया, 7:30 बजे ही वो बिस्तर में चला गया, मतलब एक तरीके से सोने चला गया। स्लीपिंग बेसाइड हिज ग्रेनी अगेन फादर सेड, फादर ने कहा, पिताजी ने कहा, क्या कहा, स्लीपिंग बेसाइड हिज ग्रेनी अगेन, कि दोबारा से अपनी दादी की बगल में सोने के लिए फादर ने ऐसा कहा। नो वंडर ही वॉन्टेड टू बी अस्लीप बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय, कि नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ही वॉन्टेड टू बी अस्लीप, कि वो सोना चाहता था, बिफोर आई शुड रिटर्न होम, कि मेरे घर लौटने से पहले ही वो सोना चाहता था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्लेवर बॉय, चतुर लड़का है, मतलब वो अपने बेटे के लिए, स्वामी के लिए बोल रहा है कि क्लेवर बॉय, चतुर लड़का। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब यहाँ पे मदर ने अपना टेम्पर है वो लॉस्ट कर दिया, अपना पारा खो दिया, मतलब उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया मदर को, तो फादर क्या करेगा बेचारा। लास्ट में भी हमने देखा था कि मदर के बोलने के बाद में फादर वहीं पे टिक गया था। तो देखो मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब यहाँ पे मदर ने अपना टेम्पर है वो खो दिया, उसको क्रोध आ गया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, कि यू लेट हिम स्लीप, कि उसे, तुम उसे सोने दो, वेयर ही लाइक्स, जहाँ वो चाहता है, जहाँ वो पसंद करता है, इच्छा रखता है, वहां उसे तुम सोने दो। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, कि यू नीडंट रिस्क, कि तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, तुम्हें कोई मतलब एक तरह से खतरा नहीं लेना है, हिज लाइफ अगेन, कि तुम दोबारा से उसके जीवन का खतरा नहीं लोगे, मतलब पहले ही उसको ऑफिस रूम में सुला दिया था और वो चोर आ गया था, बाय चांस उसने पकड़ लिया, नहीं तो चोर है वो उसको मार भी सकता था। तो यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम उसके जीवन को खतरे में नहीं डालोगे, तुम उसके जीवन का रिस्क नहीं ले सकते। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, कि फादर मम्बल्ड, मम्बल मतलब बुदबुदाया, एज जैसे ही वेंट इन टू चेंज, कि जब वो चेंज करने के लिए मतलब अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए, तो वो फादर है वो बड़बड़ाया, बुदबुदाया धीरे से, मतलब उसने कहा, क्या कहा, ऑल राइट, ठीक है, मोली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, कि मोली कॉडल, मोली कॉडल मतलब आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करना, दुलार करना, दुलार करना उसको बोलते हैं मोली कॉडल, कि जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा किसी बच्चे का जब लाड प्यार किया जाए, इतना बड़ा जब वो हो गया है, वो जब किशोरावस्था के अंदर है और फिर भी उसका आवश्यकता से अधिक जो दुलार किया जा रहा है उसको बोलते हैं मोली कॉडल, कि आवश्यकता से अधिक तुम उसको दुलार दो, उसको लाड प्यार दो, एंड स्पॉइल हिम, और उसको बिगाड़ दो, एज मच एज यू लाइक, जितना तुम चाहती हो उतना तुम उसको बिगाड़ दो और आवश्यकता से अधिक तुम उसको लाड प्यार दो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, कि ओनली डोंट ब्लेम मी, कि केवल मुझे दोष मत देना आफ्टरवर्ड्स, कि इसके बाद में मतलब जब तुम इसको बिगाड़ दोगी, उसको स्पॉइल कर दोगी उसको, तो उसके बाद में आफ्टरवर्ड मतलब उसके बाद में तुम मुझे दोष मत देना। अब वो फादर ऐसे उस मदर को बोल रहा है। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट फेल ट्रिमेंडसली रिलीव टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, कि स्वामी,
स्वामी जो कि सोया नहीं था, ऐसे सोने के लिए गया था, वो नाटक कर रहा था वापस से, फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, कि वो ब्लैंकेट के अंदर से ही पूरी कन्वर्सेशन को, वार्तालाप को उसने फॉलो किया, मतलब उस वार्तालाप को सुना उसने। तो सुनते हुए, फॉलोइंग मतलब सुनते हुए, फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, उसने अपने आप को रिलीव मतलब एकदम से राहत को फील किया, अत्यधिक राहत महसूस करी टू हियर सुन करके दैट हिज फादर वाज गिविंग अप, कि उसके फादर ने उसको गिविंग हिम अप मतलब उसको त्याग दिया है, उसका पीछा करना छोड़ दिया था। तो स्वामी ने ब्लैंकेट के अंदर से ही पूरी कन्वर्सेशन को सुनते हुए, यह सुनकर के उसको अत्यधिक रिलीव फील हुआ, अत्यधिक मतलब राहत मिली, उसने हल्का फील किया कि उसके फादर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछे पड़ना उसके फादर ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे अपनी ये जो स्टोरी है वो यहाँ समाप्त होती है, खत्म होती है। आर के नारायण का चैप्टर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। तो अब आपको बताना है कि जो चोर जब घर पे आ गया था तो स्वामी ने उसको कैसे पकड़ लिया था, तो स्वामी ने कैसे उसको जैसे अपने दांतों से बिट किया था, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी है। और उसके बाद में पुलिस ने उसको क्या लाइन बोली थी वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, कि पुलिस ने जब उसकी ग्रेटफुल हो गई थी पुलिस, और उसके बाद में जब स्वामी से पुलिस ने क्या कहा था कि तुम बड़े होके क्या करना चाहिए, वो जो लाइन है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, पुलिस के द्वारा बोली गई। और से एक आपको जवाब देना है कि किस प्रकार से स्वामी ने उस चोर को, उस बर्गलर को पकड़ लिया था। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।